अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल रेसिपी मटन टिक्का बोटी। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनती है टिक्का बोटी, आप इसे इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिएगा। हमें इसके लिए चाहिए 1.5 कप क्यूब में कटी हुई मटन की बोटियाँ। मैंने बकरे का गोश्त लिया है और इसकी पतली पतली आप बोटियाँ इस तरीके से स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में कट करके लीजिए। क्लीन एंड वॉश करके लीजिएगा। एक बाउल में हम इसको मैरिनेशन करेंगे। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। 2 टेबलस्पून थिक कर्ड गाढ़ा दही डालें। मिक्स इट वंस नाइसली, अच्छे से एक बार मिक्स कीजिए। जैसे जैसे हम इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे हम मिक्स करते रहेंगे। 1/2 फ्रेश लेमन जूस, नींबू का ताज़ा रस डालिए। 2 टीस्पून मेहरान या शान का तंदूरी मसाला पाउडर डालें। 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, मैंने एवरेस्ट की यूज़ की है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप ये डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डालें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। अ पिंच ऑफ स्ट्रॉबेरी रेड फूड कलर, अराउंड 1/8 टीस्पून। मिक्स इट वेल, अच्छे से हिलाइए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, तेल डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। नाउ लास्टली हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर। अच्छे से मिक्स कीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके लें। कवर करके हम इसको कम से कम 12 आवर्स के लिए फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट होने के लिए। आफ्टर 12 आवर्स लेटर बाहर निकालिए और एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स करके लें। कुछ स्कीवर्स लीजिए, वुडन स्टिक्स, उनको अच्छे से वॉश करके लीजिए। नाउ 1 बाय 1 करके एक एक बोटी लीजिए, पीस लीजिए और स्कीवर्स में इस तरीके से लगाते जाए। मैंने एक स्कीवर में 4 पीस लगाए हैं। सारे स्टिक्स ऐसे ही बनाकर रेडी करके ले लीजिए। फ्राइंग पैन प्री हीट करके लीजिए 5 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए। आफ्टर 2 मिनट्स लेटर गैस को कीजिए लो फ्लेम पर। अब हम सारे जो स्टिक्स है वो फ्राई करने के लिए डालेंगे फ्राइंग पैन में। ये देखिए, थोड़ी ही देर में मॉइस्चर रिलीज होते जाएगा। आफ्टर एवरी 5 मिनट लेटर हमें उसको टर्न करते रहना है, बीच बीच में हिलाते रहिए। फ्राई फॉर टोटल 35 to 40 मिनट्स टिल ऑल मॉइस्चर एब्जॉर्ब। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है और ऑयल रिलीज हुआ है। आफ्टर 40 मिनट्स लेटर गैस को बंद कर दे। अ डिलीशियस जूसी एंड सॉफ्ट मटन टिक्का बोटी इज रेडी नाउ। स्प्रिंकल सम चॉप मिंट लीव्स, पुदीना डाले ऊपर से गार्निश करें। गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी सैलड एंड लेमन वेजेस के साथ। डिलीशियस मटन टिक्का इज रेडी नाउ फॉर योर रमज़ान। सबसे पहले हमारे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। डिलीशियस।